नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे एटा जलेसर के कटरा चुंगी की, जहां भीषण जाम के कारण लोगों को होती है परेशानी। साथ ही बात करेंगे पलामू की, जहां बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के मिलन समारोह जन सैलाब आयोजित हुआ। आगे बात करेंगे एटा के जलेसर की, जहाँ नवोज्वल मथुरा फाउंडेशन द्वारा दिव्यांग सहायता शिविर का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। खबर बाराबंकी से है, जहां विद्युत संविदा कर्मियों को 2 माह का वेतन न मिलने का मामला आया सामने। राष्ट्रगान गाकर विद्युत संविदा कर्मियों में शुरू किया धरना। सैकड़ों की संख्या में उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन के बैनर तले अधीक्षक अभियंता परिसर में कार्य बहिष्कार कर शुरू किया धरना। वेतन की मांग को लेकर धरना दे रहे विद्युत संविदा कर्मी, लगातार 2 माह का बकाया वेतन की मांग करने पर भी नहीं मिल रहा है वेतन। मामला बडेल स्थित अधीक्षक अभियंता कार्यालय का बताया जा रहा है। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां जलेसर में राष्ट्रीय सेवा भारती से संबंध नवो उज्ज्वल फाउंडेशन मथुरा द्वारा दिव्यांग सहायता शिविर का आयोजन 2 अक्टूबर रामजी द्वारा धर्मशाला नाला बाजार जलेसर में आज प्रातः 10 बजे से प्रारंभ हुआ और 4 बजे तक यह आयोजन चलता रहा। दिव्यांगजनों के पंजीकरण हुए विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरण, कैलिपर, ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, वॉकर, बैसाखी। इस उद्घाटन में सेवा भारती के संगठन मंत्री सुनील ने संस्था के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि संस्था विगत वर्षों से कई जिलों में कार्यरत है। दिव्यांगजनों की सेवा में यह आयोजन समय समय पर संस्था द्वारा किए जा रहे हैं। इस अवसर पर चेयरमैन प्रतिनिधि संजू आइडिया, संतोष सिंह, निर्मल अग्रवाल, अटल बिहारी, सेवा भारती के सेवा प्रमुख भरत गुप्ता, विजय सिंह, हनी अग्रवाल, जलेसर के वरिष्ठ पत्रकार संजीव गुप्तावासी, शहर के विभिन्न गणमान्य के द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम का संचालन संस्था के सचिव विष्णु कुमार शर्मा ने किया। दिव्यांगजनों की सहायता सेवा के कार्यकर्ता है। आज 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर जलेसर में राम जी द्वारा धर्मशाला में दिव्यांग सहायता शिविर का आयोजन किया गया है। और इस दिव्यांग सहायता शिविर में ऐसे दिव्यांग जिनको सहायक उपकरण चाहिए, जैसे पैर हैं, कैलिपर हैं, ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, वॉकर, उनका पंजीकरण और मेजरमेंट का ये कैंप। इसके बाद जितने भी दिव्यांग चिन्हित होंगे, पंजीकृत किए जाएंगे, उनको अगले महीने में ये उपकरण वितरण किए जाएंगे। और ये सारा कार्य जो है समाज के सहयोग से चलता है। राष्ट्रीय सेवा भारती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विंग है सेवा की, उससे ये संस्था संबद्ध करती है। और ये जो जलेसर क्षेत्र की समाज सेवी जनता है, इसके सहयोग से ये कैंप आयोजित किया गया। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां जलेसर के कटरा चुंगी पर लगा रहता है भीषण जाम। जाम के झाम से परेशान रहते हैं लोग, राहगीर और व्यापारी। आज 12 बजे के करीब कटरा चुंगी पर भयंकर जाम लग गया। जाम लगने से राहगीर और आमजन को परेशानी का सामना उठाना पड़ा। वहीं शहर में कलश यात्रा वाली कन्याओं और महिलाओं को जाम के झाम का सामना करना पड़ा, जबकि कटरा चुंगी पर 2 पुलिस वाले हर समय रहते हैं मुस्तैद। फिर भी जाम की बनी रहती है दिक्कत। मुस्तैदी पड़ोसी दुकानदार विशाल कुमार ने गुस्साया जाम की वीडियो बनाकर वायरल कर दी। आए दिन जाम से दुकानदार भी परेशान रहते हैं, ग्राहकों को परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। इस बीच विद्यालय जाने वाले बच्चों को भी जाम का सामना करना पड़ा। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां लोगों का राम बारात देखने का लगातार था। श्री राम के स्वरूप रथ में सवार होकर बारात लेकर जैसे ही आगे बढ़े, वैसे ही श्री राम के जयकारों से गूंज उठा समूचा शहर। देवी देवताओं की झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। साथ ही महिलाएं, बच्चे, पुरुष, युवक, युवतियां बारात के साथ थे। वहीं एटा के बैकुंठी में राम बारात के उपलक्ष्य में हर वर्ष जनकपुरी महोत्सव होता है, जिसमें श्री राम की शादी के साथ साथ कई कन्याओं की निःशुल्क शादी व्यवस्था की जाती है। इस क्रम में कल एक जोड़े की शादी की पूरी व्यवस्था की गई, जिसमें जोड़े को दहेज का सामान दिया गया। जनकपुरी महोत्सव का आयोजन प्रमोद गुप्ता द्वारा सफलतापूर्वक किया गया। आज जो ये जनकपुरी महोत्सव में ये बैकुंठी में ये कार्यक्रम रखा गया है, इसके पीछे का पूर्ण जो भूमिका है वो, और जो आज कार्यक्रम पूरी तरीके से रखा गया उसके बारे में जानकारी दें। ये जनकपुरी महोत्सव कैलाशगंज में 25वां है आज। यह 25 वर्षों से सभी हमारे कैलाशगंज वासियों के सहयोग से जनकपुरी महोत्सव का आयोजन होता है। इसमें
शुरू से ही गरीब कन्याओं की शादी की जाती है और जो रामबरा निकलती है आज रामलीला की, यहीं पर भगवान राम की भी शादी होती है और यहाँ लगभग 10-11 बजे बारात आती है। रात को सब शहर के लोग यहाँ भगवान राम का आशीर्वाद लेते हैं और निर्धन जो कन्याओं की शादी होती है उनको आशीर्वाद देते हैं। आज कितने जोड़ों की विवाह की यहाँ व्यवस्था की गई? आज एक जोड़ा है, आज एक ही जोड़ा है। उनको विवाह से संबंधित सामग्री भी मतलब आयोजन कमेटी की? हाँ हाँ, आयोजन कमेटी की तरफ से सभी सामान जो जरूरी होता है वो उनको दिया जाता है। अध्यक्ष जी, आज जनकपुरी महोत्सव में आपका आना हुआ है जी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, जनकपुरी महोत्सव पिछले 25 सालों से लगातार होता हुआ आ रहा है कैलाशगंज की बैकुंठी में और हमारे जो व्यापार के नेता, हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हैं आदरणीय प्रमोद गुप्ता जी, इनके नेतृत्व में लगभग 25 साल से लगातार चला आ रहा है ये। और ये गरीब कन्याओं की शादियाँ होती रहती हैं हर साल और राम बारात भी निकलती है तो लास्ट में यहीं पर आके उनकी शादी होती है और जो गरीब कन्या हैं उसको पूरा सामान भी दिया जाता है उसके यूज का, डेली यूज का, और जो बारात में दिया जाता है और काफ़ी लोगों का भोजन भी होता है, एक भंडारे की तरह होते हैं, भगवान राम की बारात है तो काफ़ी लोगों का, हजारों लोगों का भोजन भी होता है यहाँ पर। निर्धन कन्याओं के लिए निःशुल्क व्यवस्था की जाती है शादी में? जी बिल्कुल निःशुल्क, हम तो और कहते हैं कि काफ़ी प्रभु जी ने काफ़ी और लोगों से भी कहा था लेकिन चार जोड़ों की शादियाँ हो रही थी, किसी कारण बस वो तीन निरस्त हो गई, अन्यथा चार जोड़ों की आज शादियाँ होती हैं। आज कितने जोड़ों की शादी? आज एक हो रही क्योंकि अटेंडम व्यवस्था नहीं हो पाई, तीन की वो किसी तरह कुछ ट्रेजडी हो गई थी, बाकी एक की आज हो रही है, वो हर साल वैसे चार पाँच हर साल होती है शादी। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर पलामू से है जहां जिले के जनता उच्च विद्यालय के प्रांगण में माझिया विश्रामपुर विधानसभा 77 में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन का अध्यक्षता बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजन मेहता एवं संचालक पलामू जिला अध्यक्ष अशोक राम ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड प्रभारी चिरंगैया साहब एवं श्रीकांत गौतम रहे। कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले भोजपुरी सुपरस्टार गायिका पुष्पा राणा के द्वारा स्वागत गीत गाकर सभी अतिथियों को स्वागत किया गया एवं बाबा साहब अंबेडकर एवं महात्मा बुद्ध पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को शुरुआत किया गया। मौके पर उपस्थित पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार रवि, झारखंड प्रदेश प्रमुख संघ की उपाध्यक्ष गीता देवी, मिथिलेश सिंह, राम पुकार, राम अजय चौधरी, शिव कुमार विश्वकर्मा एवं हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। सबसे पहले आप सभी की चैनलों को और श्रोतागण को राजन मेहता की ओर से सभी कोई को चरण स्पर्श प्रणाम और आदाब सलाम प्रणाम और झारखंडी जोहार। आपने कहा कि पिछले बार आप रनर रहे थे, आप अगले बार क्या होगा? मैं यह बताना चाहता हूँ, यहाँ के जो विधायक माननीय रामचंद्र चंद्रवंशी जी का दिमाग खराब हो गया है, बुढ़ापा में जो है उस सेठी आ गए हैं, इसलिए वो अब बोरिया बिस्तारा बांध ले। विश्रामपुर की जनता ने यह निर्णय ले लिया है कि अब हर बार गरीबों की पार्टी, दलितों की पार्टी, शोषितों की पार्टी, यह बहुजन समाज पार्टी है। विश्रामपुर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी जीतेगी और रिकॉर्ड मत से जीतेगी, यह मैं आप सबको विश्वास में दिलाता हूँ। क्या बसपा के केंद्रीय समिति की जो टीम आई है वो आप पे विश्वास करेगी? निश्चित रूप से, अगर विश्वास नहीं होता रहता तो हमारे केंद्रीय प्रभारी जो आए हैं, जो बहन जी के दूत हैं, वो सब आए हैं, निश्चित रूप से विश्वास है। और आपने सुना अभी कि केंद्रीय प्रभारी जी ने कहा। पलामू से सीनियर संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।